अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजिर हुआ हूँ एक न्यू लेक्चर और एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगा फ्रेजल वर्ब गो। गो से मुतालिक जितने फ्रेजल वर्ब हैं वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले बता दूं आपको फ्रेजल वर्ब कहते किसे हैं। फ्रेजल वर्ब गो एक वर्ब है। गो क्या है? वर्ब है। अगर वर्ब के साथ हम प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब ये ऐड करते हैं तो ये बन जाता है फ्रेजल वर्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो गो का मतलब है जाना और हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है गो से मुतालिक गो अबाउट। गो अबाउट का मतलब है घूमना फिरना। जैसे आई सॉ अ बेगर गोइंग अबाउट फ्रॉम डोर टू डोर। मैंने देखा एक फकीर एक मांगने वाला घर घर जा रहा है। तो जब भी कोई शख्स घूमना फिरना या कोई भी एक्शन किसी सब्जेक्ट से परफॉर्म होता है तो वो अगर फ्रेजल वर्ब गो अबाउट का फ्रेजल वर्ब होगा तो उसका मीनिंग होगा घूमना फिरना। इसमें काम करने वाला सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है, ना कि कोई सब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करता है। ये चीज़ नहीं है। तो ये एक्टिव वॉइस है, सारे जितने भी बता रहा हूँ ये एक्टिव वॉइस है। तो गो अबाउट का मतलब घूमना फिरना। अगला फ्रेजल वर्ब है गो अब्रॉड, बैरून मुल्क जाना। ही डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फ्रॉम फॉर एजुकेशन। वो तालीम के लिए उसने फैसला किया बाहर मुल्क जाने का। बाहर मुल्क जाने का उसने फैसला किया, गो अब्रॉड, बैरून मुल्क जाना। अब गो आफ्टर, गो आफ्टर का मतलब है ताकुब करना। ताकुब करना मतलब किसी के पीछे उसका पीछे करना, ये मतलब गो आफ्टर। द डॉग गोज आफ्टर इट्स मास्टर। कुत्ता अपने मालिक का ताकुब करता है। कुत्ता अपने मालिक का ताकुब करता है मतलब मालिक जिधर भी जाता है कुत्ता उसके पीछे जाता है। तो इसलिए गो आफ्टर मतलब ताकुब करना। द पुलिस वेंट आफ्टर द एस्केप्ड प्रिजनर। एस्केप्ड प्रिजनर फरार कैदी। पुलिस ने फरार कैदी का ताकुब किया। अगला फ्रेजल वर्ब है गो अगेंस्ट, मुखालिफत करना मतलब किसी के अगेंस्ट जाना, मुखालफत। डू नॉट गो अगेंस्ट द विशेज ऑफ योर पेरेंट्स। अपने वालिदैन की ख्वाहिशात के अगेंस्ट मतलब उसके मुखालिफ मत जाओ। डू नॉट गो अगेंस्ट, मुखालिफ मत जाओ द विशेज ख्वाहिशात के ऑफ योर पेरेंट्स अपने वालिदैन के। अगला फ्रेजल वर्ब है गो अहेड, तरक्की करना। ही इज गोइंग अहेड विद हिज स्टडीज। वो अपनी पढ़ाई में तरक्की कर रहा है। He is going ahead. वो तरक्की कर रहा है with his studies अपनी पढ़ाई में, पढ़ाई के साथ साथ। Go along with, grow, go along with साथ चलना, साथ जाना, go along with साथ जाना। Two servants along with him on the journey. Two servants went along with him on the journey. सफर पर दो मुलाजिम उसके साथ गए। साथ जाना मतलब उसके साथ गए। गो एट का मतलब हमला करना। द डॉग वेंट एट द बेजगर, कुत्ते ने फकीर पर हमला कर दिया। द डॉग, हमला किसने किया? कुत्ते ने। एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? कुत्ता। तो इसलिए पैसिव वॉइस नहीं है, एक्टिव वॉइस है। गो अवे, चले जाना, चले जाना, गो अवे। माय फ्रेंड वेंट अवे टू लाहौर, मेरे दोस्त लाहौर चले गए। वेंट अवे। गो असाइड, राह अमल से हट जाना। राह अमल से हटना, भटक जाना, भटकना। वी शुड नेवर गो असाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रुथ। हमें सच्चाई के रास्ते से भटकना नहीं चाहिए मतलब उधर से हटना नहीं चाहिए। हमें सच्चाई पे डटे रहना चाहिए मतलब कि ये सेंस ये मतलब हमें सच्चाई को छोड़ना नहीं चाहिए। वी शुड नेवर गो असाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रुथ। हमें सच्चाई के रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। गो बैक ऑन, वादा से फिर जाना। He has gone back on his promise. वो अपने वादे से फिर गया, मुकर गया। Go back on, वादे से फिर जाना। Go by, go by का मतलब गुजरना। Hours go by slowly in times of trouble. मुसीबत के वक्त में वक्त बहुत आहिस्ता गुजरता है। ये तो आप भी जानते हैं कि टाइम बहुत आहिस्ता से गुजरता है। Go down, go down का मतलब है नाकाम रहना, कमी वाकई होना।
प्राउड पीपल गो डाउन इन लाइफ। मगरूर लोग जो होते हैं ना वो अपनी जिंदगी में नाकाम रहते हैं, जो मगरूर होते हैं जिनमें बहुत अकड़ होती है, आप जानते हैं। तो इसका यही मतलब है। आप गो डाउन का मतलब है कमी वाक्य ना, प्राइसेस में, प्राइस में अगर कमी वाक्य होती है तो वो भी गो डाउन होता है। एग प्राइसेस यूजली गो डाउन इन समर, मौसम गर्मा में अंडों की कीमतें गिर जाती हैं। ये तो आपको पता है, गर्मियों में अंडों की कीमतें गिर जाती हैं और सर्दियों में आसमान को पहुंच जाती है। गो फॉर, हमला करना, के लिए जाना। लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो वॉक के लिए चलते हैं। लेट्स गो फॉर अ वॉक। द डॉग, अब गो फॉर के दो मीनिंग, हमला करना और के लिए जाना। अब वॉक के लिए जाना तो यहाँ पे हम के लिए जाना होगा इसका सेंस, ये नहीं है कि लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो इसका अगर हम ये लेंगे हमला करना, चलो वॉक के लिए हमला करते हैं, ये क्या सेंस पे बनता ही नहीं है। जो आपको खुद समझ रहा होगा कि मीनिंग का क्या, किसी सेंटेंस का सेंस क्या बन रहा है, उस हिसाब से आपने सेंटेंस को इस्तेमाल करना। एट द डॉग वेंट फॉर द थेफ्ट एज ही ओपन द डोर, अब कुत्ते ने चोर पर हमला कर दिया। एज ही ओपन द डोर, जैसे ही उसने दरवाजा खोला, चोर ने जैसे ही दरवाजा खोला कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। वेंट फॉर, अब यहाँ पे वेंट फॉर का मतलब है हमला करना। एक्शन किसने परफॉर्म किया, कुत्ते ने। गो फोर्थ, रवाना होना। अ ग्रेट कैवेकेट वेंट फोर्थ फ्रॉम द टाउन टू मीट द गवर्नर, अब गो फोर्थ रवाना होना, सवारों का जुलूस, एक अजीम सवारों का जुलूस रवाना हुआ फ्रॉम द टाउन, टाउन से टू मीट द गवर्नर, गवर्नर को मिलने के लिए, गवर्नर से मिलने के लिए टाउन से एक अजीम सवारों का जुलूस रवाना हुआ। गो फोर्थ रवाना होना। गो फोर्थ, गो फोर्थ का मतलब, अब ये एक और गो फोर्थ है, इसका मतलब आप सेंटेंस में कुछ और बन रहा है इस फ्रेज़ वर्ब का। अब इसका मतलब है से नशर होना, मशहूर हो जाना। गो फोर्थ, मशहूर हो जाना या से नशर होना। अभी सेंटेंस पढ़ते हैं आपको पता चल जाएगा। अ रूमर वेंट फोर्थ दैट द प्रिंस वाज पॉइजंड, एक अफवाह मशहूर हो गई कि प्रिंस को जहर दिया गया, शहजादे को जहर दिया गया। अ रूमर वेंट फोर्थ मतलब मशहूर हो गई, मतलब हर इलाके में लोगों के ये फैल गई कि बादशाह को, प्रिंस को जहर दिया गया, ये रूमर। अब गो ग्रे, गो ग्रे का मतलब है बाल सफेद होना, हैविंग ग्रे हेयर, हैविंग का मतलब होना, हैविंग ग्रे हेयर बाल सफेद होना। माई ब्रदर वेंट ग्रे इन हिज 40s, मेरा भाई अपनी 14 साल की उम्र में मतलब उसके बाल सफेद हो गए, वेंट ग्रे। ही इज गेटिंग ऑन अ बिट एंड गोइंग ग्रे, वो बाइट ले रहा है और सफेद हो रहा है। गो इन फॉर, श्रीक होना। ही हैज डिसाइडेड टू गो इन फॉर द CSS कंपटीशन, उसने फैसला किया CSS कंपटीशन में जाने का, मतलब उसमें शरीक होने का। आप जरूरी नहीं है किसी सेंस में शरीक होना या इस तरह का बिल्कुल वही एग्जैक्ट मीनिंग है, लेकिन आपको खुद सेंटेंस का सेंस समझना है कि मतलब वही बन रहा है। ही हैज डिसाइडेड, उसने फैसला किया टू गो इन फॉर द CSS कंपटीशन, CSS कंपटीशन में जाने का, मतलब शरीक होने का। द पुलिस आर आस्क्ड टू गो इन फॉर द मुस्लिम लीग, पुलिस ने पीपल, द पीपल आर आस्क्ड टू गो इन फॉर द मुस्लिम लीग, लोगों को कहा गया मुस्लिम लीग में जाने का, मतलब शरीक होने का। गो इन, अंदर दाखिल होना। अ सर्वेंट ओपन द डोर एंड वी वेंट इन, मुलाजिम ने दरवाजा खोला एंड और हम अंदर दाखिल हो गए, वी वेंट इन, अंदर दाखिल होना। गो इन टू, तफ्तीश करना, गो इन टू तफ्तीश करना। द पुलिस वेंट इन टू द मैन स्टोरी टू सी इफ ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ, द पुलिस वेंट इन टू द, पुलिस ने तफ्तीश की द मैन स्टोरी, किसी आदमी के मैन स्टोरी आदमी की कहानी की, टू सी देखने के लिए, इफ आया के ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ, क्या ये सच बोल रहा है, कि ये सच बोल रहा है। पुलिस ने आदमी की कहानी की जाँच पड़ताल की, उसकी तफ्तीश की, उसे पूछताछ की कि आया ये सच बोल रहा था कि नहीं। तो द पुलिस वेंट इनटू द मैन स्टोरी टू सी इफ ही वाज टेलिंग द ट्रुथ, आया ये सच बोल रहा था।
सच बोल रहा है या नहीं। प्लीज प्लीज गो इन टू द मैटर अगेन। अब इसका मतलब है मेहरबानी करके मामले की दोबारा से तफ्तीश करो। प्लीज गो इन टू द मैटर अगेन, ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। प्लीज गो इन टू द मैटर अगेन, प्लीज मामले की दोबारा तफ्तीश करो। गो ऑफ, खत्म होना, खराब हो जाना, पिस्तौल वगैरह का चल जाना, ये तीन मीनिंग इस गो ऑफ के फ्रेजल वाक्य हैं। डोंट ड्रिंक द मिल्क, दूध मत पियो, इट हैज गॉन ऑफ, ये खराब हो गया। इट हैज गॉन ऑफ, गॉन ऑफ मीन खराब हो जाना। द इफेक्ट ऑफ द ड्रग विल गो ऑफ आफ्टर 2 hours, 2 घंटे बाद दवाई का असर खत्म हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ द ड्रग, दवाई का असर विल गो ऑफ, खत्म हो जाएगा आफ्टर 2 hours, 2 घंटे बाद। द पिस्तौल वेंट ऑफ एंड अ मैन वाज किल्ड, द पिस्तौल चल पड़ी और आदमी मर गया, मतलब गोली चल पड़ी तो आदमी मर गया। इसका पिस्तौल वगैरह का चल जाना गो ऑफ का मतलब इस सेंस से भी आता है। द पिस्तौल वेंट ऑफ, गोली चल पड़ी, चल गई, एंड अ मैन वाज किल्ड, और आदमी मर गया था। गो ऑन मतलब जारी रखना। They decided to go on strike for a week more. जारी रखना। उन्होंने फैसला किया to go on strike, हड़ताल जारी रखने का, for a week more, और एक हफ्ते। उन्होंने एक हफ्ते हड़ताल जारी रखने का फैसला किया। He went on with his work and finished it soon. उसने अपना काम जारी रखा और इसे जल्द खत्म कर दिया। He went on with his work, उसने अपना काम जारी रखा, and finished it soon, और इसे जल्द खत्म कर दिया। Go on at, ताना जनी करना, आवाज कसना, इसका मतलब है go on at का मतलब आवाज कसना या ताना जनी करना। हर मदर, उसकी अम्मा, उसकी माँ, उसकी वालदा, went on at her, उस पर चिल्लाई, for coming home, घर पर आने, late at night, रात को देर से घर आने पर उसकी वालदा उस पर चिल्लाना। तो इसलिए आप में से कोई लेट रात को घर आता है क्या? अगर ऐसा करता है तो होशियार रहे। गो आउट का मतलब है घुल होना, बुझ जाना, बंद हो जाना। द कैंडल वेंट आउट, मोमबत्ती बुझ गई। गो ओवर का मतलब मुआयना करना, का मुतालिया करना। I requested him to go over the book and correct it, मैंने उसे दरख्वास्त की to go over, मुआयना करे, the book and correct it, उसका बुक का मुआयना करे और इसको इसमें जो भी गलती है उसको दुरुस्त करे, correct it। We should go over the account books together, हमें अगठे अकाउंट बुक का मुताला करना चाहिए। अब गो ओवर के दो मतलब है, एक मुआयना करना, एक मुताला करना। अब यहाँ पे इसका सेंस है मुताला कर, हम दोनों को मिलके अकाउंट बुक्स का मुताला करना चाहिए। गो थ्रू, बगौर मुताला करना। यू आर एडवाइज्ड, तुमको नसीहत की जाती है, ये पैसिव वॉइस है। यू आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द बुक अगेन, बुक का दोबारा से मुताला करो। तुम्हें नसीहत की जाती है कि बुक का दोबारा से मुताला करो, मतलब उसको बगौर मुताला करो। To go towards किसी चीज के खरीदने में मदद देना। Go towards किसी चीज के खरीदने में मदद देना। The money we collected will go towards a new roof for the school, स्कूल की नई छत के लिए जो हमने पैसे जमा किए वो उसमें जाएंगे। The money we collected will go towards a new roof of the school, मतलब स्कूल की नई छत के लिए जो हमने पैसे जमा किए वो उधर जाएंगे, नई छत के खर्चे में। आप जरूरी नहीं है कि सेंस में किसी चीज के खरीदने में मदद देना ये वाला लफ्ज है, ये लफ्ज नहीं आएगा। मीनिंग सेंस को मैं खुद समझ रहा हूँ, मतलब यही बन रहा है। गो अंडर का मतलब है गर्क होना, डूबना, बर्बाद होना, नाकाम होना, ये चार सेंस निकल रहे हैं गो अंडर के। मैंने रेस्टोरेंट्स गो अंडर इन द फर्स्ट ईयर, अब यहाँ पर इसका मतलब है नाकाम हो गए, बहुत सारे रेस्टोरेंट नाकाम हो गए पहले साल में, मतलब कि उनका कारोबार नहीं चला, उनको नुकसान हुआ, वो नाकाम हो गए, डूब गए। बहुत सारे रेस्टोरेंट अपने पहले साल में डूब गए, नाकाम हो गए। द
टाइटैनिक फाइनली बेंट अंडर। अब यहाँ पे टाइटैनिक, यहाँ पे इसका सेंस आएगा डूब गया। तो टाइटैनिक फाइनली, आखिरकार टाइटैनिक डूब गया या गर्क हो गया, जो मर्जी सेंस ले, लेकिन यही मीनिंग है। द टाइटैनिक फाइनली बेंट अंडर। गो अप, गो अप का मतलब है चढ़ना। द टेम्परेचर इज गोइंग अप, दर्जा हरारत बढ़ रहा है। विल द स्नो मेल्ट, क्या स्नो पिघल जाएगी, क्या बर्फ पिघल जाएगी। द टेम्परेचर इज गोइंग अप, यहाँ पर टेम्परेचर दर्जा हरारत बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, सेंस है कि। गो विद, अगला फ्रेज होगा गो विद, मेल खाना से मुतफिक होना, मतलब मिलना, मैच करना। गो विद द ब्लू कारपेट गोज विद द गोल्ड कर्टेन्स। ब्लू कारपेट मतलब ब्लू कारपेट सुनहरी पर्दे से मेल खाती है, मतलब इससे मिलती है, इससे मैच करती है, सुनहरी पर्दे से ब्लू कारपेट मैच करती है, मेल खाती है। डू यू ऑलवेज गो विद द चेयरमैन, अब यहाँ पे मतलब होगा मुतफिक होना, मेल खाना नहीं। डू यू ऑलवेज गो विद द चेयरमैन, क्या तुम हमेशा चेयरमैन से मुतफिक होते हो। आई डू नॉट गो विद यू इन दिस मैटर, इस मामले में मैं तुमसे मुतफिक नहीं हूँ। आई डू नॉट विद यू, मैं तुमसे मुतफिक नहीं हूँ इन दिस मैटर, इस मामले में। गो विदाउट, गो विदाउट का मीनिंग के बगैर होना, के बगैर गुजारा करना। ही हैड टू गो विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, उसे काफी दिन पानी के बगैर गुजारा करना पड़ा। ही हैड टू गो, उसे गुजारा करना पड़ा। He has to go without water for many days, काफी दिन पानी के बगैर गुजारा करना पड़ा। It is unhealthy, ये गैर सेहतमंदाना है। And dangerous, और खतरनाक। To go without sleep, sleep नींद के बगैर गुजारा करना, ये बहुत गैर सेहतमंदाना और खतरनाक है। तो ये है सारे फ्रेज़ल वर्ब गो से मुतल्लिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना इजहार कमेंट में जरूर करें। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।